हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो भैया क्लास 12th से पास आउट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, पता चल चुका है पास हो गए हैं या क्या हुआ है, और अब वो सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, आगे जो है कहाँ एडमिशन लिया जाए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे क्लास 12th से जो है पास आउट होते हैं तो उनको जो है डायरेक्शन देने वाला जो है कोई भी नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि भाई मेरे लिए जो है कौन सा कोर्स जो है सुटेबल रहेगा, कहाँ मुझे एडमिशन लेना है, कैसे मुझे एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जो है एडमिशन लेना है, एडमिशन कैसे लेते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं। ठीक है, ये रेगुलर क्या होता है, ओपन क्या होता है, कट ऑफ क्या होती है, टॉप फोर क्या होता है, टॉप थ्री क्या होता है, ओपन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, क्या दोनों की वैल्यू सेम है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके मन में होते हैं, बट उसको जो है वह वीडियो भी वो बहुत सारी देख ही लेता है यूट्यूब वगैरह पर, बट फिर भी वो जो है एक्शन नहीं ले पाता उसके रिगार्डिंग। मान लो किसी बच्चे को जो है रेगुलर में अगर एडमिशन लेना है तो उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता कि भाई कैसे किस तरीके से जो है एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता भाई कट ऑफ वगैरह जो है क्या होती है। सो गाइज, आज की वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 12th से पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, और अब उन्हें जो है एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को जो है आज आपको जो है बिना स्किप करके देखना है, बस यही आपसे जो है मेरी रिक्वेस्ट है। आज हम जो बात करने वाले हैं गाइज, वो बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से जो है एडमिशन कराया जाता है, क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या कोर्स जो है प्रोवाइड कराती है, और आपके लिए कौन सा कोर्स करना बेनिफिशियल है, ओपन से करें, रेगुलर से करें, किस तरीके से करें, सारी की सारी चीजें जो है आपको आज मैं जो है इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, कट ऑफ वगैरह सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए आपको जो है देखना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज हम केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज तो बहुत हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन कराया जाता है, कब एडमिशन ओपन होंगे, कब एडमिशन क्लोज होंगे, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, इसको शॉर्ट में जो है DU कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके तीन तरीके से, ये कह सकते हो यहाँ पे आपके एग्जाम या आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी देता है तीन तरीके से। अब वो तीन तरीके कौन से हैं, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है रेगुलर का। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको आप ओपन कह सकते हो, ठीक है, या SOL भी आप इसको कह सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका NC WAB। तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये तीनों जो है क्या होता है और किस में जो है किस तरीके से एडमिशन कराया जाता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेगुलर की, कि अगर आपको DU के अंदर जो है रेगुलर में एडमिशन लेना है, तो अगर आपको DU में रेगुलर से एडमिशन लेना है तो भैया यहाँ पर जो है दो तरीके से एडमिशन होते हैं रेगुलर में। ठीक है, पहला जो होता है उसको कहते हैं मेरिट बेस पर, दूसरा जो होता है वो होता है एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर। अब ये मेरिट बेस क्या होता है और ये एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग जो है हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरिट बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहली बात तो चाहे मेरिट बेस हो चाहे एंट्रेंस टेस्ट बेस हो, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी मेरिट बेस मतलब कट ऑफ वगैरह निकलती है, उसके बेस पे जो है एडमिशन कराया जाता है। आपको दोनों में से बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो सब आपको भी पता चल जाएगा। आपको इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ता है। ठीक है, दोनों में से आपको किसी के लिए भी आपको एडमिशन लेना है कोई से भी कोर्स में, पहले तो आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद होता क्या है, अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो भैया इसका टेस्ट होता है, इसके लिए डेट वगैरह आएगी, टेस्ट होगा, उसमें अगर पास आउट होते हैं तो आपका जो है टेस्ट होता है। अगर हम बात करें मेरिट बेस की, मेरिट बेस में क्या होता है, आपने भैया अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया,
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कट ऑफ निकलती है। ये कट ऑफ क्या होता है भाई, ये कह सकते हो भाई सब मार्क्स के अकॉर्डिंगली, आपकी ट्वेल्थ के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने अपनी ट्वेल्थ क्लास में जो भी हरकतें करी हैं उसके बेस पर क्या होता है, यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई, जितने ज्यादा मार्क्स वाले होंगे, जैसे पहले मान लो 100, 99, 98, उनको फर्स्ट कट ऑफ में रखा जाएगा। फिर जब फर्स्ट कट ऑफ पूरी हो जाती है, फिर उससे कम वाले आते हैं 95, 94, 93, फिर थर्ड में और कम वाले, फोर्थ में और कम वाले, फिफ्थ में और कम वाले, ऐसे करते 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 ये कह सकते हो 8, 9, 10 मैक्सिमम 10 लिस्ट जो है निकलती है, 10 भी मैक्सिमम हो गए, 8 से 9 जो है कट ऑफ निकलती है। अगर आपका नाम उस कट ऑफ में आ जाता है, नाम कैसे पता चलेगा कि मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा, आप उस कट ऑफ में क्या लिखा रहता है, उस कट ऑफ में ये लिखा रहता है कि भाई ये कॉलेज है, इस कॉलेज में ये वाला प्रोग्राम आपको इतने परसेंटेज पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी टॉप फोर या टॉप थ्री की जो भी आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली, मोस्टली टॉप फोर लगते हैं, ठीक है, टॉप फोर में अगर आपके मार्क्स जोड़कर उस वाले कॉलेज के अंदर आ रहे हैं तो आप जो है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो ये निकलती है कट ऑफ। इसको कैसे देखते हैं, अगर आपको नहीं आता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कट ऑफ वगैरह जो है कैसे देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराओगे वहां पे आपके मार्क्स वगैरह ट्वेल्थ के सारे सबमिट होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कट ऑफ कैसे देखते हैं। दूसरा, ये टॉप फोर क्या होता है, टॉप थ्री क्या होता है, इसके मार्क्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं, क्या इसमें एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं नहीं लेते हैं, ये बच्चों को जो है बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा कट ऑफ में जो है परसेंटेज आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं आती है। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया दो तरीके से होता है, मेरिट बेस और एंट्रेंस टेस्ट, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके लिए कट ऑफ निकलती है आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पर, आपकी परसेंटेज जो भी आ रही है टॉप फोर और टॉप थ्री में, अगर आपकी परसेंटेज उसमें आ रही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा रेगुलर में, अगर नहीं आ रही है तो नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट में आपको टेस्ट देना पड़ेगा पहले, अगर टेस्ट में पास आउट होते हैं तो ठीक है, तब एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आपको रेगुलर में एडमिशन लेना है डीयू में, ठीक है, अगर रेगुलर में एडमिशन लेना है डीयू में, तो इसकी आज इसकी जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की। ठीक है, आज 18 जुलाई है, आज रात 12 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है यहां पर करा सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन कराने से पहले तो ये सोचते हैं भाई मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स जो हैं ये कह सकते हो अगर 70% से नीचे है, अगर 70% से नीचे है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप ना कराइए, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं होने वाला। ठीक है, बट अगर गाइज आप जनरल के अलावा ये कह सकते हो एससी, एसटी, ओबीसी, इसमें से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके कितने भी मार्क्स आए हो, कितने भी, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको अगर रेगुलर से करना है, डीयू से अगर रेगुलर करना है और इनमें से किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन दिक्कत ये है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना वो आपके पास अपने नाम का होना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, ये आपका अपने नाम का होना चाहिए। आप रेगुलर के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कितनी भी परसेंट आई हो आपकी, मैं कह रहा हूँ चाहे 55 आई हो, 60, 65, 70, कुछ भी आई हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 8वीं, 9वीं, 10वीं कहीं ना कहीं तो कट ऑफ में आपका नाम आ ही जाएगा अगर आप सोच रहे हैं डीयू से रेगुलर से एडमिशन कराने की। ठीक है, ये हो गई बात रेगुलर की। ठीक है, जनरल की मैंने आपको बताई दी, अगर 70 से कम है तो भैया कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 70 भी मैंने आपको बहुत ही वो बता दी है, यहां तक तो नाम ही नहीं आएगा जनरल का। अब आती है ये एसओएल क्या होता है। ठीक है, देखो रेगुलर में क्या है, रेगुलर में कोई भी बंदा एडमिशन करा सकता है। ठीक है, रेगुलर में कोई भी बंदा जो है एडमिशन करा सकता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। ठीक है, बॉय हो गर्ल हो कोई भी एडमिशन करा सकता है, दिल्ली का हो कहीं का भी हो किसी भी बोर्ड का हो कोई भी एडमिशन करा सकता है रेगुलर के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब आती है बात SOL की। ये SOL क्या होता है? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसको क्या कहते हैं जी? इसको आप ओपन कह सकते हो कि भाई हम ओपन से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है, ये कह सकते हो ये कोर्स उनके लिए बनाया गया है, ठीक है, सब कुछ चीजें वही है, बट यहाँ पर आपको भैया जाना पड़ेगा रेगुलर क्लासेस के लिए, ठीक है, प्रॉपर जैसे क्लासेस वगैरह लगती हैं यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है SOL के अंदर, यहाँ पर गाइज ये कह सकते हो ये उन बच्चों के लिए है जो ये कह सकते हो साइड बाय साइड जो है ये कह सकते हो जॉब करते हैं, ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते हैं या साइड बाय साइड कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो रेगुलर क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, ये उनके लिए जो है अवेलेबल है, पहली बात तो। या दूसरा, जिसका रेगुलर में नहीं हो पाता, तो सिंपल सी लाइन है, जिसका कोई ना सहारा उसका है SOL, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा। अब इसका नाम ही ओपन है, ठीक है। तो ये क्या दिक्कत है SOL का, SOL में एडमिशन कैसे होता है गाइज? इसके अंदर आपका कोई भी झमेला नहीं है, ठीक है। ये कट ऑफ, ये एंट्रेंस टेस्ट, ये रजिस्ट्रेशन, इसका कोई भी आपका झमेला नहीं है, कोई परसेंटेज का झमेला नहीं है, 40, 45, 50 कितनी भी आई हो आपकी, आप यहाँ पर जो है ये सभी बच्चों के लिए अवेलेबल होता है 12th करने के बाद। आप जिसका कहीं एडमिशन नहीं होगा उसका यहाँ पे एडमिशन होगा ही होगा, आपकी कितनी भी परसेंटेज आई हो। इसमें कैसे एडमिशन होता है, ठीक है, पहले तो मैं बता दूं अभी इसके एडमिशन जो है ओपन नहीं हुए हैं, पहले यहाँ का एडमिशन पूरा होता है, ठीक है, पहले रेगुलर के एडमिशन होंगे, रेगुलर का कट ऑफ हो जाता है, जब यहाँ का प्रॉपर हो जाता है, थोड़ा प्रोसेस में आ जाता है कंप्लीट, जब यहाँ के एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा इधर ध्यान दिया जाता है, बट अभी थोड़ा लेट हो गया है, पहले ही जुलाई आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन होने वाले हैं चालू जल्दी, बट अभी एडमिशन जो है यहाँ पर चालू नहीं हुए हैं, यहाँ पे ऐसा कोई भी झमेला नहीं है, एक बारी एडमिशन यहाँ पे आपको कराना होता है, ठीक है। फीस भी आपकी जो है मैक्सिमम कोर्स की अगर हम बात करें तो 4000 तक, जैसे बीकॉम ऑनर्स वगैरह मैक्सिमम फीस जो है यहाँ पे 4000 होती है, ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। क्लासेस यहाँ पर आपको अटेंड करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है, यहाँ पर आपकी जो है हर संडे जो है यहाँ पर क्लास आपके लिए अवेलेबल होती है, ठीक है, संडे क्लास लगती है यहाँ पर, और ये कह सकते हो पूरे साल की आपकी केवल 30 ही क्लास जो है यहाँ पर लगती है। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी मैं और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या कुछ भी है, कुछ भी डाउट है, कहाँ क्लास होती है, कैसे एडमिशन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी कोई भी एडमिशन ले सकता है, बॉय भी एडमिशन ले सकता है और गर्ल भी एडमिशन ले सकती है। SOL के अंदर बॉय गर्ल दोनों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये NC वेब जो है क्या होता है। देखो ये जो है गाइज बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह है, ठीक है, SOL की तरह, ठीक है, इसको भी आप, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या वही चीजें इसमें, वही चीजें इसमें, लेकिन इसके अंदर तो दोनों एडमिशन ले सकते हैं, बॉय और गर्ल दोनों, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें यहां पर जो है केवल गर्ल ही एडमिशन ले सकती है और बॉय जो है यहां पर एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है। इसका नाम ही जो है वुमेन, W फॉर वुमेन पे स्टैंड कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है NC वेब ये केवल वुमेन के लिए अवेलेबल होता है, केवल गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, बॉय के लिए जो है ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसकी जो साल में क्लासेस होती हैं ये कह सकते हो इसकी टोटल 50 क्लास होती हैं, सैटरडे भी क्लास होती है, संडे भी क्लास होती है, ठीक है, सैटरडे के अलग कॉलेज हैं, संडे के लिए अलग कॉलेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर SOL के अंदर जो है क्लासेस देना बिल्कुल भी ये कह सकते हो कंपलसरी नहीं है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो आ जाते हैं घूम फिर के, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अटेंडेंस वगैरह कोई भी कंपलसरी नहीं है, बट गाइज यहाँ पे आपको अटेंडेंस लेना कंपलसरी है, ठीक है। ये कह सकते हो 65 से 66% अटेंडेंस आपकी यहाँ पर जो है होनी ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो है आपका एडमिशन कैसे किया, कैसे होता है यहाँ पर एडमिशन, अगर किसी भी गर्ल को यहाँ पर एडमिशन लेना है तो भैया सबसे पहले तो आपको इसका भी आज आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई रजिस्ट्रेशन की DU के अंदर,
एक ही बारी रजिस्ट्रेशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा रेगुलर का अलग रजिस्ट्रेशन होगा और एनसी वेब का अलग रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक ही बारी होता है। ठीक है, किसी के लिए भी आप कर रहे हो, इसके लिए या इसके लिए, आपने एक बारी रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, अब गर्ल का तो एडमिशन होगा, लेकिन इसकी गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भाई वो जो गर्ल होनी चाहिए ना, वो जो है दिल्ली की होनी चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी वो है, लिमिटेशन भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, बॉय और गर्ल दोनों जाएंगे, कहीं भी किसी भी बोर्ड का हो, कहीं से भी आया हो, कोई किसी का भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एनसी वेब में ऐसा नहीं है, दिल्ली की होनी चाहिए, 12th क्लास जो है वो दिल्ली से जो है पास आउट होनी चाहिए। केवल वो गर्ल जो दिल्ली से बिलोंग करती है, दिल्ली से है, 12th जो है दिल्ली के स्कूल से पास आउट करी है, वो जो है केवल एनसी वेब में एडमिशन ले सकती है। और कोई भी गर्ल जो है जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करती है, उसने 12th दिल्ली से नहीं करी है, वो जो है एनसी वेब में एडमिशन नहीं ले सकती है। ठीक है, तो ठीक है जी, ये बात आ गई समझ में। इसकी भी आज जो है लास्ट डेट है। ठीक है, इसमें पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें भी बिल्कुल सेम एडमिशन ऐसे ही होता है, इसकी भी क्या होती है, कट ऑफ ही निकलती है। ठीक है, इसकी अपनी अलग ही वेबसाइट है एनसी वेब की, उस पे जो है कट ऑफ निकलती है 8 से, इसमें कम कट ऑफ निकलती है, 8 कट ऑफ नहीं निकलती है, इसमें भी कट ऑफ निकलती है। अगर आपकी टॉप 4 और टॉप 3% मिलाकर अगर आपका नाम किसी कॉलेज में आ रहा है तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं आ रहा यहां पर, ठीक है, या पहले तो मान लो यहाँ भी आप, यहाँ पे भाई अगर आप दिल्ली की हैं और 12th क्लास में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो भाई अगर आपने यहाँ करा दिया तो आप इसके लिए ऑल्सो एलिजिबल हो। ठीक है, आपको आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर जो है मेरा नाम आ रहा है, इसकी अलग कट ऑफ निकलती है, इसकी अलग कट ऑफ निकलती है। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, और फिर वही बात कि अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली की हैं, 12th से पास आउट हैं दिल्ली से ही, और SC ST OBC अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सो गाइज आप जो है, गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं, आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप रेगुलर से करने की सोच रहे हैं, ये मत देखो मेरी परसेंटेज कितनी आई है, 60-65 कितनी भी आई हो, लास्ट एट द एंड आपका किसी ना किसी कॉलेज में हो ही जाएगा अगर आप इस कैटेगरी से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो एडमिशन होता है वो भैया ये केवल कट ऑफ बेस पे होता है, एंट्रेंस पे नहीं होता, और ये मेरिट बेस और एंट्रेंस दोनों से होता है। इसके लिए कोई परसेंटेज, कोई कट ऑफ, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, एडमिशन चालू होंगे, हर बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब आती है बात के भाई, हमने तीन चीजें पढ़ ली, एक होता है रेगुलर, ठीक है, तीनों के बारे में आपको अच्छे से डीपली बता चुका हूँ, एक होता है SOL, ठीक है, और एक होता है आपका NC वेब। देखिए अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, सबसे पहले अब 12th के बाद बच्चे समझ नहीं पाते, देखो एक होता है UG और एक होता है PG। ठीक है, UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट, PG का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, UG का मतलब बैचलर डिग्री आप कह सकते हो, और PG का मतलब मास्टर डिग्री आप कह सकते हो। पहले हमें ये करना होता है, उसके बाद ये 3 साल की होती है, उसके बाद जब आपकी बैचलर डिग्री हो जाती है, जब आप यूजी कर लेते हो, तब जाके आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हो। ठीक है, अच्छा ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ये सभी के लिए है। ठीक है, चाहे आप इसमें हो, इसके अंदर भी यूजी पीजी होता है, इसके अंदर भी जो है यूजी और पीजी जो है होता है। ठीक है, अच्छा तो पहले भाई यूजी, 12th के बाद यूजी करते हैं हम, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अच्छा इसको नॉन ग्रेजुएशन भी कहते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रेगुलर है, ये कौन कौन से कोर्स आपको जो है अवेलेबल कराता है, DU के अंदर रेगुलर में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है 12th के बाद। 12th के बाद देखिए बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, बट अगर हम फिलहाल अभी नॉर्मल अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाइज आपके लिए एक होता है BA। ठीक है, आप इसको BA प्रोग्राम भी कह सकते हो। ठीक है, पहला तो होता है ये BA या BA प्रोग्राम एक ही चीज है। दूसरा जो होता है वो होता है BA ऑनर्स। ठीक है, तीसरा जो होता है, ठीक है, ये BA ऑनर्स, और एक होता है BA इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, एक होता है BA इंग्लिश ऑनर्स, एक होता है BA पोल साइंस,
ठीक है, बीए पॉल साइंस से आप अगर करना चाहते हो, बीए में बहुत सारी हैं, ठीक है, बीए ऑनर्स, बीए आप इंग्लिश से करना चाहते हो, पॉल साइंस से करना चाहते हो, नॉर्मल बीए करना चाहते हो, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं बीए के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर ऐसे ही है, एक होता है बीकॉम, एक होता है बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, यहाँ पे भी आपके जो है इस तरीके के कोर्स जो है अवेलेबल है। तो आपके लिए जो है कौन सा कोर्स करना बेनिफिशियल है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि भाई कंफ्यूज रहते बंदे, ये अच्छा ये जैसे ये बीकॉम है ऐसे इसको आप बीकॉम प्रोग्राम भी जो है आप इसको कह सकते हो, ठीक है, और इसको बीकॉम ऑनर्स कहते हैं। तो अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑनर्स में एडमिशन ले या प्रोग्राम में एडमिशन ले। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी अगर मैं बात करूं रेगुलर की, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर इसकी बात करूं कॉमर्स फील्ड की, देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं, अगर CA, CS, अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप बीकॉम ऑनर्स को फिल करिए, ठीक है। मैंने खुद बीकॉम ऑनर्स करी है, ठीक है, मैंने खुद SOL से ही इस यहां से मैंने जो है बीकॉम ऑनर्स कर रखी है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर आप इस लाइन में जा रहे हैं तो आप जो है ये यहाँ पे करिए, बीकॉम ऑनर्स में फिल करिए, ना कि बीकॉम प्रोग्राम में। क्यों ऐसा करना, क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए ये करना इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि भाई सिलेबस मोस्टली सेम ही है, ठीक है। आप अगर एक बार बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद ये कह सकते हो आपका मोस्टली सिलेबस इसका CA का मोस्टली सिलेबस आपका जो है बहुत ही ज्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो बिना पढ़े भी जा सकते हो पेपर देने इसका बीकॉम वाले का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और यहाँ पे भी आपका एडमिशन हो गया है तो भैया चीजें सेम ही चलती हैं। अदरवाइज अगर आप इस लाइन में नहीं जा रहे हैं तो ऑनर्स में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं खपाना है, आप इस यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे बच्चे जो है बीए पॉल साइंस से करते हैं, बीए इंग्लिश ऑनर्स करते हैं, नॉर्मल बीए करते हैं, मोस्टली अभी जो ट्रेंड में चल रहा है मोस्टली बच्चे बीए पॉल साइंस उसमें जो है ज्यादा एडमिशन लेते हैं, ठीक है, या नॉर्मल आप बीए भी कर सकते हैं। देखो ऑनर्स में पहले बता दूं ऑनर्स टफ होती है, ठीक है, ऑनर्स जो है ये कह सकते हो वहां से शुरू होती है जहां पे ये नॉर्मल बीए बीकॉम प्रोग्राम वाली खत्म हो जाती है, और ऑनर्स जो है टफ होती है, पहले मैं बता रहा हूँ समंदर है सिलेबस, ठीक है। अगर आप पढ़ने के कीड़े हैं, ठीक है, पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, पढ़ाई से कुछ रिश्ता है, तो ही आप ऑनर्स के अंदर एडमिशन लें, अदरवाइज आपके लिए प्रोग्राम अवेलेबल है, ज्यादा दिमाग खपाओ नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो भैया सिंपल सी बात है ये दोनों कोर्स आपके लिए ही बने हैं अगर पढ़ाई से कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाई से रिश्तेदारी है, आप पढ़ाई के कीड़े हो, ठीक है, पढ़ने में मन लगता है, पढ़ाई करनी है, आगे कुछ करना है लाइफ में, तो भैया आप यहाँ पर कहीं पर भी आप जो है एडमिशन ले सकते हो। तो रेगुलर में अभी आपको यहाँ इनमें से कहीं एडमिशन लेना है, ठीक है, DU की बात कर रहा हूँ, अगर इनमें से एडमिशन लेना है, SOL भी आपको बिल्कुल सेम यही सारे कोर्स अवेलेबल कराता है, ठीक है, BA आप यहाँ पे भी कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो रेगुलर में है वो ही यहाँ पर भी है, ठीक है, BA प्रोग्राम भी कराता है, BA ऑनर्स भी कराता है, इंग्लिश ऑनर्स भी कराता है, पोल साइंस ऑनर्स भी कराता है BA के अंदर, ठीक है। तो SOL के अंदर भी हम कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ रेगुलर क्लास होगी या रेगुलर क्लास नहीं होगी, यहाँ कट ऑफ निकलेगी और यहाँ पे एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी NCVAP की, तो गाइज ये आपको जो है इतने सारे कोर्स आपको अवेलेबल नहीं कराता है, ये आपको केवल एक बीए आपको जो है बीकॉम प्रोग्राम, बीए और बीकॉम, नॉर्मल बीए बीकॉम जिसको आप प्रोग्राम भी कह सकते हो, ये आपको केवल ये ही अवेलेबल कराता है। ऑनर्स के जितने भी कोर्सेज होते हैं ये NCVAP जो है आपको नहीं कराता है, ठीक है। तो अगर आप गर्ल हैं, 12th से पास आउट हुए हैं, दिल्ली से हैं, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो और नॉर्मल बीए बीकॉम करना चाहते हैं तो भैया आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। क्लासेस आपकी सैटरडे संडे होंगी, साल में 50 क्लासेस लगती हैं, ये मैंने आपको जो है बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपके लिए कौन सा कोर्स करना बेनिफिशियल होगा, ये मैंने आपको जो है यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। ज्यादा पढ़ाई करनी है ऑनर्स ले लीजिए, ऑनर्स बेस्ट है, डीप में है, समंदर है, पहले बता रहा हूँ, बाद में मुझे ना बोलना मैंने फंसा दिया। पढ़ाई में मन लगता है अगर तो ही ऑनर्स में एडमिशन ले, अगर नहीं लगता है भाई नॉर्मल बीकॉम और ये है, ठीक है, नंबर आ गए तो यहाँ ले लो, नहीं आए तो SOL तो जिंदाबाद है ही, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है यहाँ पर बच्चे जो है सबसे पहली कंफ्यूजन ये होती है कि क्या अगर मैं रेगुलर से करूं और ओपन से करूं, क्या डिग्री की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो देखो मेरे भाई
डिग्री की वैल्यू जो है वो सेम होती है, चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो, चाहे आप एसएल से कर रहे हो, चाहे आप एनसी वेब से कर रहे हो, ठीक है, ओपन से कर रहे हो, रेगुलर से कर रहे हो, डिग्री की वैल्यू जो है वो सेम होती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस एक तो डिग्री की वैल्यू जो है, डिग्री की वैल्यू जो है आपकी सेम है, ठीक है। प्लस ये भी मैं आपको बता दूं कि सिलेबस भी जो है, सिलेबस भी आपका सेम है, कहीं से भी आप कर रहे हो, आप जो है रेगुलर से कर रहे हो, आप रेगुलर से बीए या बीकॉम कर रहे हो, आप एसएल से बीए बीकॉम कर रहे हो, सिलेबस सेम है, या एनसी वेब से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, डिग्री की वैल्यू सेम होती है, सिलेबस आपका सेम होता है। और प्लस यहाँ पर जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट, आपने सुना होगा सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम जो है यहाँ पर तीनों के अंदर ही अवेलेबल है। अब ये सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, देखो एक होता है सेमेस्टर सिस्टम और एक होता है एनुअल। पहले होता क्या था, देखो एक हमने पढ़ा, एक होता है रेगुलर, ठीक है, एक होता है एसओएल और एक होता है एनसी वेब। होता क्या था, पहले रेगुलर के अंदर तो सेमेस्टर सिस्टम है ही, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक साल के अंदर दो बारी पेपर होते हैं, ठीक है, इस पहले होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और फिर होते हैं सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है, छह महीने में ये वाला पेपर होते हैं और छह महीने में ये वाला पेपर होता है, ठीक है। जैसे पहले मान लीजिए जून में एक बारी पेपर होते हैं और फिर दिसंबर में एक बारी जो है यहाँ पर पेपर होते हैं। रेगुलर के अंदर सेमेस्टर सिस्टम अवेलेबल है पहले से ऑलरेडी। एसओएल के अंदर क्या है, एसओएल के अंदर पहले एनुअल सिस्टम था। एनुअल सिस्टम का क्या मतलब था कि साल में केवल एक ही बारी पेपर होगा, बस दो बारी पेपर नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब एसओएल के अंदर और एनसी वेब के अंदर दोनों के अंदर जो है सेमेस्टर सिस्टम अवेलेबल है, बिल्कुल इसको रेगुलर जैसा ही जो है बना दिया गया है। यहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम है आपका और यहाँ पर भी सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे आप अगर अभी आप एडमिशन लोगे तो आपका जो पेपर होने वाले हैं वो दिसंबर में होंगे, ठीक है, फिर जून में फिर पेपर होंगे, फिर दिसंबर में पेपर होंगे, फिर जून में पेपर होंगे, तो छह महीने के गैप पर जो है पेपर होते हैं एक साल में दो बारी, इसको कहते हैं सेमेस्टर सिस्टम। एनुअल सिस्टम किसको कहते हैं, जो साल में एक बार ही होते हैं। अब एनुअल सिस्टम कहीं भी नहीं रहा है, एसओएल में भी नहीं रहा, एनसी वेब में भी ना, एनुअल सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मेरे भाई डिग्री की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, सिलेबस सभी के अंदर तीनों के अंदर सेम है। आप कहीं से, आप एसओएल से भी कॉम ऑनर्स कर रहे हो, यहां से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, सिलेबस सेम है, पढ़ाई सेम है, ठीक है, सबके अंदर सेमेस्टर सिस्टम है। लेकिन कुछ तो बात होगी ना रेगुलर में, जो बच्चे भागते हैं जिसके पीछे, तो देखो सिंपल सी बात है, ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये वाले एसओएल और एनसी वेब वाले, इनका ये कह सकते हो इनकी स्किल, ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी, इनका नजरिया कह सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें गाइज बहुत ही ज्यादा अलग होती है एज कंपेरिजन टू इससे, रेगुलर वाले से। रेगुलर वाले के अंदर स्किल, रेगुलर वाले की पर्सनैलिटी, रेगुलर वाले का नजरिया, ठीक है, वे ऑफ टॉक, बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप रेगुलर में एडमिशन लेते हो भाई, तीन साल जब आप उस कॉलेज के अंदर रहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं सीखने को मिलती हैं। यहाँ तो अटेंडेंस जरूरी नहीं है, बच्चा जाता ही नहीं, घर में ही पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, तो घर में तो आपको पता ही है क्या हालात होती है। यहाँ पे बंदा जाता तो है बट रेगुलर नहीं जाता, केवल सैटरडे या संडे, ठीक है। तो भैया रेगुलर में एडमिशन लेने का यही फायदा है, बहुत सारी आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट जो है होती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू इससे और इस वाले बच्चों से। ये तो क्या करते हैं, ये तो भैया जिस दिन पेपर होता है पेपर से दो दिन पहले बोलते हैं जी कोई बता दो 5-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पढ़ लेंगे तो उस बात खत्म। यहाँ पे आपको होता क्या है, यहाँ पे अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं, यहाँ तो फिर भी छोड़ो, इन बच्चों की अगर मैं बात करूँ एसओएल की, आप पढ़ाई से बहुत ही दूर होते रहेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर आप एसओएल से अगर साइड बाय साइड अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं, सीए सीएस अगर आप ऐसा कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भैया आप जो है एसओएल के अंदर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और साइड बाय साइड कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे, आप पढ़ाई से बहुत दूर होते जाएंगे, पढ़ाई से आपका मन बिल्कुल ही अलग होता रहेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई आपको पढ़ना ही नहीं, पेपर भी जो है दिसंबर में होते हैं जून में होते हैं, तो भैया फिर आप छह महीने का गैप हो जाता है, उसमें भी फिर 2-3 दिन पहले पढ़ोगे, तो यहाँ से आप पढ़ाई से बहुत दूर दूर भागते रहोगे, सिंपल सी बात है। ये तो हो गई आपकी बात, डिग्री की वैल्यू सेम होती है, सिलेबस सेम होता है, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है।
अच्छा, अब आती है कभी कभार बच्चों के दिमाग में अब और भी कोर्स आते हैं, लाइक BBA आता है, BCA आता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं मोस्टली जो जैसे जो ट्रेंड में चलते हैं, BBA, BCA, ये सारी चीजें जो है बच्चों के बहुत ही ज्यादा दिमाग में आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप DU से नहीं कर सकते, ये आपको जो है ये कोर्स आपको नहीं कराती है, BBA, BCA ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको नहीं कराती है। अगर आपको इन सब चीजों में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो भैया आपको किसी और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको DU से केवल वही कोर्स अवेलेबल हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, BA प्रोग्राम है, BA ऑनर्स है, BA इंग्लिश ऑनर्स है, BA पोल साइंस ऑनर्स है, ठीक है, या BCOM प्रोग्राम है या BCOM ऑनर्स है, ये सारे कोर्स जो हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, ओपन से भी और रेगुलर से भी। सो गाइज, लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप यहाँ और यहाँ कहीं भी एडमिशन कराने की सोच रहे हैं, ठीक है, आज इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, इसके एडमिशन अभी चालू नहीं हुए हैं, जब एडमिशन चालू होंगे मैं आपको जो है इसके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा, जब भी इसके एडमिशन चालू होने वाले हैं। कुछ भी आपका डाउट है कट ऑफ के रिगार्डिंग, कैसे देखते हैं, क्या होती है टॉप 5, टॉप 4, इसका नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं नहीं लेते हैं, आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। कोई भी मन में डाउट है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, या इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये लिख लीजिए 9990158317, ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बारी अगर आपने गलत एडमिशन ले लिया, एक बारी, क्यों, आने वाले 3 साल आपके बहुत ही ज्यादा खराब जाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। सो गाइज, आपने एडमिशन को लेकर सीरियस रहिए, कहाँ एडमिशन लेना है भेड़ चाल को मत चलिए, जहाँ पर आपके फ्रेंड जा रहे हैं, ठीक है जी तू BA में एडमिशन ले रहा है, तू BA में एडमिशन ले रही है, या तू BCOM में एडमिशन ले रहा है, ठीक है जी मैं भी वहीं ले लेता हूँ, तेरे साथ साथ हो जाएगा, तेरे साथ आ जाऊंगा, तेरे साथ चला जाऊंगा, ये मत कीजिए, ये आना जाना कुछ नहीं है भाई, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो आपको सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि आपको जो है कहाँ एडमिशन लेना है। एक बारी गलत डिसीजन आपका 3 साल आगे के खराब करने वाला है, तो बहुत ही सोच समझ के आप एडमिशन लें। कोई भी डाउट आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कमेंट बॉक्स है, कहीं पे भी आप मेरे को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।